देखिए, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता लोग टारगेट 25 पर काम कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान के कोने कोने में हम घूम रहे हैं। अप्रत्याशित और ऐतिहासिक रिजल्ट रहेगा और केवल राजस्थान में ही नहीं, देश के अंदर राजनीति का बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, ये आप लोगों के सामने 23 मई को आएगा। सर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अशोक गहलोत जी अपने बेटे के लिए गली गली घूम रहे हैं। हाँ, मतलब किस तरीके की हालत है, इस तरीके की हालत है कि मतलब बाकी सीटें तो आ चुके हैं। अशोक गहलोत जी खुद के चुनाव में भी गली गली घूमते हैं और अशोक गहलोत जी गुजरात, उनके खुद के गुजरात के अंदर भी गली गली घूमकर उनको वो मरते मरते बचे गुजरात में। 5-7 सीट और कांग्रेस की आ जाती तो गुजरात में कांग्रेस का राज बनता, तो गली गली घूमकर ही उन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया। गली में घूमने में कोई बुराई नहीं है, गली में ही असली समस्या का पता लगता है, गली में ही हमारे छोटे कस्बों के गांव के लोग रहते हैं। मुझे लगता है गली में घूमने में कोई बुराई नहीं। गजेंद्र सिंह जी का आरोप है कि सरकार पूरी लग रही है, सरकार के मंत्री है, कम से कम 100 अधिकारी है, पुलिस है, सब लोग लग रहे हैं मुझे हराने के लिए, पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। उनको अपनी हार दिख रही है, हार का ठीकरा कहीं ना कहीं तो फोड़ेंगे, किसी न किसी पर तो आरोप लगाएंगे। उनको दिख रहा है कि मैं हार रहा हूँ, बुरी तरह से हार रहा हूँ, तो मैं पहले से ही जो है अपना माहौल ऐसा बना दूँ ताकि मेरी तो कोई गलती नहीं है, ऐसे ही मेरे ऊपर अन्याय करके रहेगा। तो इस प्रकार से ये बौखलाहट है, दिखाता है कि उनकी क्या हालत चल रही है चुनाव के अंदर। प्रधानमंत्री जी जोधपुर आ गए, बाड़मेर आ गए, उसके बाद में उदयपुर गए, वो बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर 25 जो उनका मिशन है वो पूरा हो गया, लेकिन राहुल गांधी ना तो बाड़मेर में कोई भी बड़ा नेता नज़र नहीं आया अभी तक। देखिए मुख्यमंत्री, मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी जी इसमें विश्वास रखते हैं कि पार्टी का केवल एक लीडर नहीं होता। राहुल गांधी जी देश में घूम रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री प्रदेश में घूम रहे हैं, राहुल जी भी आपको पता है कि आज की तारीख में राजस्थान के अंदर ही, और उससे पहले भी, क्योंकि 26 तारीख को वो बूंदी आए थे इसलिए मुझे पता है कि वो तो मोदी जी से भी पहले राजस्थान आकर जा चुके हैं। उस दिन उनका गंगानगर कार्यक्रम था, बूंदी में कार्यक्रम था 26 अप्रैल को और 26 मार्च को, और साथ ही साथ जयपुर में कार्यक्रम था, तो वो मोदी जी से पहले आ चुके हैं। मोदी जी को लगता है कि बीजेपी में उनके अलावा कोई नेता नहीं है, राहुल गांधी जी को लगता है कि कांग्रेस में 100 नेता हैं, सबको घूमना चाहिए, तो वो सबको घुमा रहे हैं। बीजेपी का ये आरोप है, प्रधानमंत्री खुद बाड़मेर के अंदर कह चुके हैं कि जो राहुल गांधी ने घोषणा की थी 10 दिन में ऋण माफी या बेरोजगार युवाओं को भत्ता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं ग्राउंड लेवल पे। बेरोजगारी भत्ते का 10 दिन का नहीं कहा था, बेरोजगारी भत्ता मार्च से चालू हो चुका है, ऋण माफी 18,000 करोड़ रुपए 2 दिन के अंदर हुआ है, 10 दिन नहीं लगाए। अपने वादों पर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार खरी उतरी और आगे भी करेंगे। एक और वादा भी रखा है कि जिन किसानों का इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आया उनके साथ भी बराबर का व्यवहार करके बराबर बराबर की कमेटी गठित करी है, उसके अंदर बराबर तय करेंगे कि सबके साथ बराबर व्यवहार हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं। प्रियंका गांधी को लेकर राजस्थान में डिमांड बढ़ गई है, उनकी सभाएं हर कोई नेता करवाना चाह रहा है, इससे क्या देखते हैं आप? लोकप्रियता उनकी बढ़ी हुई है या प्रियंका गांधी राजस्थान आएगी, आप लोगों की ओर से क्या? इसमें कोई दोराह नहीं है, राहुल प्रियंका जी बिल्कुल लोकप्रिय नेता हैं और डिमांड बिल्कुल है, पूरे केवल राजस्थान में नहीं पूरे देश में है। और मैं तो आपको और बता दूंगा कि मोदी जी जितना घूम रहे हैं उतना ही उनका वोट कट रहा है, वो तो कम घूमेंगे तो उनका वोट फिर भी बना रहेगा, जितना मोदी जी देश में घूमेंगे उतना उनका वोट कटेगा। क्योंकि अभी तक लोगों ने क्या मीडिया पर उधर उधर से घुमा फिरा के ज़्यादा सुना हुआ है, जितना उनको सीधा सुनेंगे, जितनी उनकी झूठी बातें सुनेंगे, जितना उनका जुमला सीधा सुनेंगे, जितना उनका 5 साल की जो रिपोर्ट कार्ड है उसके बारे में उनसे खुद से सुनेंगे तो लोग उनको वोट नहीं देने वाले। जहाँ जहाँ मोदी जी के भाषण हो रहे हैं वहाँ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने वाली है, आप रिजल्ट देखें। कर्नल सोनाराम चौधरी की घर वापसी हो गई, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अभी ये